सिंह की नदी कल हमने प्रोग्राम किया था रात में, सब भी ऐसी आरोप थी और अब तो नदी और सड़क का मदद कर रहा है, सड़क से होता है अब अगर वो भी भर गई तो क्या होगा ये नहीं पता, फिर वो पुल को जो पाइप लगे वो भी भर जाएंगे, कोई यहाँ पर इंतजाम पहुंचोगे पानी के जरिए। कहाँ पहुंचे बेचारा, देखो फट जाएगी खराब। कराची की शहरी हुकूमत को दो, उनको दो जाए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को ये ख्याल नहीं आ रहा, या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ख्याल नहीं आ रहा कि यहाँ पे एक ब्रिज बनाया जाए। लेकिन ये गरीब आवाम सोच रही थी कि यह ब्रिज होना चाहिए, उनको ख्याल नहीं आता क्या सही बात। ये गरीब आवाम ये पानी से घुसरे और घरों को पहुंचे, वो तो बैठे हुए महलों के आवाज बोलो दरिया भी न छोड़े हमने, तेरे जुल्मात में दौड़ा दिए पड़े हमने। पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर कराची और इमरान खान की तब्दीली आ गई है, सही ऐसी तब्दीली आनी चाहिए। अब ये देखिए बेचारे ये भी जा रहे हैं, बेचारे सब तकलीफ में मौजूद है, वो बस के लिए है तो सामने आपको बस चल रहा है तो सेल्फी मंगवा रहे हैं साथ साथ। तो नाजी ने बहुत सूरत हाल इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ पल पल की सूरत हाल और पब्लिक न्यूज पर पब्लिक सब जानती है। मैं आप ये देख रहे हैं ये पूरा इलाका जो कोरंगी क्रॉसिंग का कहलाता है ये पानी में डूब चुका है चारों तरफ। ये मोटरसाइकिल देखिए जरा सामने बस, और डिप्रेशन का इतना है कि आप सोचिए भाई पकड़ो उसकी भाई क्या देखो बाइक देखो कैसी है। और हमारे बेचारे नौजवान और ये सारे नौजवान बेचारे कोरंगी लांडी के इस बार लड़के बेचारे बाहर निकले हैं, परेशान है सबके सब। ये सब आप फुटेज देखते रहे कि तमाम की तमाम कारकर्दगी है शहरी हुकूमत की, क्या खूबसूरत कारकर्दगी है। वसीम अख्तर ने कोरंगी वालों को स्विमिंग पूल का तोहफा दिया है, वाह वाह। नहाते नहीं है,
जैसे नहाते नहीं आगे गाड़ी बदली है।